हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? मजा सर। चलो इसरा, तुम कैसे हो बेटा? मजा अकमल अभी ज्वाइंट ही हुआ? मैंने अभी कॉल किया था, वो शायद बाहर था, कभी थोड़ी देर में ज्वाइंट हो रहा है। हाँ, इसका कॉल ही आया। हाँ बेटा, सर तमा म्यूट छे। ओके, सॉरी सॉरी, तो टुडेज लेक्चर अबाउट सेकंड चैप्टर एंड लेक्चर नंबर फोर्थ और फिफ्थ, आई फॉरगेट इट। इफ इसरा, आर यू रिमेम्बरिंग बेटा, आपको याद है सेकंड चैप्टर में हमारा कौन सा लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है? यदि याद हो तो बता दो। तुमने तो सारे लेक्चर अटेंड किए, आई थिंक सो। सो देखो, एक मिनट में देख लेता हूँ। सो वी हैव कंप्लीटेड 11th स्टैंडर्ड के, चलो थ्री लेक्चर हमने कंप्लीट किए। सो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर फोर्थ ऑफ चैप्टर नंबर टू। सिंस वी हैव अप टू स्टडीड अबाउट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यस और नो? एंड ऐसा यूनिट सिस्टम, ऐसा यूनिट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी, मेनली फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं बेटा? मंथन, तुम तो पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, शायद ये तुम्हारा पहला लेक्चर है। तुमने थोड़ा कुछ भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा या फिर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो? सर स्कूल में भणियो तो पण मन खा खबर ना पड़ी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो चलो आगे का टॉपिक लेंगे, कोई बात नहीं। आगे के टॉपिक बाकी रह गए तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब में रख के तुम्हें लिंक इस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो तुम देख लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, और उसमें जो कुछ भी डाउट है वो मुझे बता देना, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा। 12th के तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर रख चुका, लेकिन 11th के लेक्चर रखने के लिए अभी आज का टाइम थोड़ा निकल के सारे लेक्चर 1, 2, 3, 4 चारों चार लेक्चर में रख दूंगा। और देखो, आज एक बेसिक यूनिट के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स आई शेयर अ स्क्रीन विथ यू। सो आई थिंक द वाइट स्क्रीन इज विजिबल टू यू, एम आई राइट? यस सर। ओके सर, गुड, वेरी गुड। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप एनोटेशन फॉर यू, सो यू कैन टच एंड ऑल्सो डिसेबल एनोटेशन। So today's topic name is conversation between the degree and radian. आज हम degree को radian और radian को degree में कैसे convert करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? Degree to radian, हमें convert करने की जरूरत क्यों पड़ी वो first question है, ठीक है? चलो भाई, degree को radian में क्यों convert करना पड़ेगा? तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम थोड़ा कुछ। आपके पास शायद आपके घर में एक या दो बॉल पेन होगी आपके पास, है कि नहीं? देख लो। है सर। है ना? चलो मैं भी दो बॉल पेन रखता हूँ। चलो मेरे पास दो बॉल पेन है। अब आप घर पे कहीं पे भी जहां पे भी बैठे हो कोई बात नहीं, आप घर के एक कोने से कोई कोने पे ट्यूबलाइट वगैरह कुछ होगा, ठीक है? तो ट्यूबलाइट को आप नेकेड आई से देखो और उसकी लेंथ मेजर करो। चलो भाई, मेरे घर में कोने में इतनी ट्यूबलाइट दिख रही है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इतनी थोड़ी कुछ बॉल पेन देखिए। चलो लेंथ मेजर करो, शायद इतना ही कॉर्नर मिलेगा, इतना ही एंगल बनेगा, है ना? यस सर। देख लो, हुआ कि नहीं? हुआ। बोलते जाना, शायद इतना। चलो मेजर करो आप दोनों आंख से, देखो एक कोई भी आई क्लोज मत करना, दोनों आई से मेजरमेंट करना। एक आई से यदि आप मेजरमेंट लोगे तो गलत आएगा। दोनों आई ओपन करके अप्रोक्सीमेटली यानी कि इन बिटवीन थोड़ा कुछ एंगल मिलेगा। चलो मिला बेटा? यस सर। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20 to 30 degree, एम आई राइट? है ना, इतना ही मिलेगा। यदि आप जितने नजदीक होगे उतना एंगल ज्यादा होगा। यदि एग्जैक्टली ट्यूबलाइट तुम्हारे पास हो तो इतना एंगल मिलेगा। मैं ट्यूबलाइट एक अप्रोक्सीमेटली ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, वैसे नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो आप घर पे कौन है कि यानी कि 5 to 10 और 15
फीट इतना ही डिस्टेंस होगा तो आपको इतना एंगल मिलता है 20 to 30 डिग्री। अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ कि चलो शाम को जब स्टार हमें स्काई में देखने मिले तब दो स्टार एनी टू स्टार कोई भी स्टार ले लो छोटे छोटे उनके बिटवीन यदि आप एंगल मेजर करने जाओगे तो आपको इस तरीके से आप एंगल मेजर नहीं कर पाओगे है ना। आपको एंगल इतना छोटा मिलेगा कि आप उसे नॉर्मली कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना मेरी बात बात समझ में आई बेटा? यस सर। ओके चलो तो अब क्या करना होगा वो हमारा क्वेश्चन रहा। तो इसके लिए मेनली हम अब तक 10th स्टैंडर्ड तक जो एंगल मेजर करते थे वो डिग्री में मेजर करते थे। यस और नो? 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री परपेंडिकुलर हो तो उसको हम 90 डिग्री बोल रहे थे। यस और नो? एग्जैक्टली ऐसे हो तो 180 डिग्री 270 डिग्री पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाए तो हम कितना बोलते रहे थे 360 डिग्री। चलो ठीक है तो वो मेजरमेंट था। अब एक और मेजरमेंट है जो फिजिक्स में और मैथ्स में कई बार यूज किया जाता है और उसका स्केल स्मॉलर स्केल के लिए है और इसके आगे तो बहुत ही चैप्टर नंबर 14-15 उनमें तो ये इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो जब तक आप पढ़ोगे तब तक डिग्री रेडियन रेडियन डिग्री कन्वर्जेशन आता ही रहेगा। सो आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपल वेरी इजी इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको पता चला होगा कि हमको डिग्री को रेडियन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि स्टार या फिर कोई भी फार अवे डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो और एंगल यदि छोटा सा हो तो छोटा सा एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम डिग्री वाली मेथड यूज नहीं कर सकते कभी भी क्योंकि वो यूजफुल ही नहीं है एंगल ही नहीं मेजर कर सकते। तो उस टाइम पे जब एंगल हमें मेजर करना होता है तो हम उस वक्त रेडियन टेक्निक यूज करते हैं। जैसे चलो आपको लेंथ मेजर करनी है चलो ये मेरे पास बॉटल है इसकी यदि लेंथ मेजर करनी हो तो यहां मैं किलोमीटर यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लेंथ सेंटीमीटर या फिर इंच में मुझे मेजरमेंट करनी होती है। वैसे ही कई बार डिग्री की जगह हमें रेडियन यूज करना पड़ता है लेकिन डिग्री और रेडियन के बिटवीन कुछ रिलेशन होना चाहिए जैसे मीटर किलोमीटर में रिलेशन है क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर वैसे सेम 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर सो एंड सो सभी किलोग्राम में मास में भी 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। सिमिलरली डिग्री और रेडियन इन दोनों के बिटवीन कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है कैसे मेजर करना है कैसे सम्स में उसे हम इस्तेमाल करेंगे वो सब कुछ आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। सो लेट्स फिर से मैं अपने व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो नाउ इट इज विजिबल टू यू डिग्री टू रेडियन। चलो डिग्री के लिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। चलो यस डिग्री के लिए चलो इसको यदि हम यहां से स्टार्ट करें सेंटर दिस इज द सेंटर लेट्स से अप्रोक्सीमेटली वी आर कैलकुलेटिंग हियर डिग्री। चलो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा हम यही से स्टार्ट करते हैं सपोज जीरो सो हियर जीरो एंड डिग्री के लिए हम छोटा सा सर्कल करते हैं ना। यस सर। ओके एंड सपोज चलो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है ओके फिर यहाँ पे सारी लाइंस कितना बनेगा बेटा 180 डिग्री फिर यहाँ पे 270 डिग्री और पूरा यदि एक सर्कल फिनिश किया जाए वापिस से यहां आए कोई ऑब्जेक्ट तो 360 डिग्री एंड मैक्सिमम इतना ही बनेगा उससे ज्यादा कभी भी एंगल नहीं बन सकता। और आपको ये पता बेटा 360 क्यों लिया व्हाई नॉट टेकिंग 350 व्हाई नॉट टेकिंग 400 व्हाई नॉट टेकिंग एनी अनदर एंगल व्हाई इसके पीछे कुछ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए यू नो शायद आपको पता ही होगा। नो नो नो
इसरा तुम्हें भी नहीं पता बेटा? नहीं सर। देखो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जानने के लिए आपको जरूरी है, इसलिए अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। वन मिनट, लाइट इज गॉन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके वेट, मैं डोर ओपन करके आ रहा हूं। ओके सर। ओके बेटा, तो मैं क्या बता रहा था बेटा, हिस्ट्री है ना? यस सर। तो अवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन एंड द पीरियोडिक टाइम इज, कितना पीरियड है उसके लिए एक सर्कल लगाने के लिए? 365 days, yes, 365.25, because every 4 year there is one day is leap day. So from the scientists ने ऐसा या फिर जिसने भी रिसर्च वगैरह जब भी स्टार्ट किया होगा तो उसने सोचा होगा चलो भाई हम एक पूरा सर्कल लगाए तो उसको कितना मेजरमेंट दिया जाए। तो 365 और 364 इज ए ऑकवर्ड नंबर, इट इज नॉट इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड और सो मेनी थिंग्स। सो साइंटिस्ट ने उस पूरे के पूरे सर्कल को नियरली 360 रख दिया ताकि उसको इक्वली फोर पार्ट में डिवाइड किया जाए और सो एंड सो। सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम, सो दैट इज 360 डिग्री। एंड सपोज इन बिटवीन इफ यू आर टेकिंग एनी एंगल, सो यू आर टेकिंग हियर 45 डिग्री, सो एंड सो लाइक दिस, है ना? यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, चलो ऐसे 45 डिग्री, सपोज एंगल इज थीटा, सो एंड सो, यहाँ से यहाँ एंगल 180 डिग्री, सो एंड सो, पूरा एक सर्कल लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 360 डिग्री। एंड दिस इज फॉर अ डिग्री सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट इज इन रेडियन सिस्टम? चलो इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं फिर से, वन मोर सर्कल इज देयर, सॉरी सर्कल ही चाहिए। सो इन दिस मेजरमेंट रेडियन, फिर से टेकिंग अ सेंटर फ्रॉम हियर, सेंटर इज ओ, हियर स्टार्टिंग, फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर जीरो रेडियन, तो रेडियन के लिए आपको आर ए डी रेडियन लिख दो शॉर्ट में, ठीक है? एंड हियर व्हाट हैपन्स, सी सपोज इतना एंगल किया, चल बेटा, तो उस वक्त जितना भी एंगल बना बेटा उस एंगल को, वैसे यहां पे तो हम 90 डिग्री बोल रहे थे लेकिन इसको हम 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, रेडियन बोलना पड़ेगा। सो दिस इज पाई बाय टू रेडियन, कितना हुआ बेटा? पाई बाय टू रेडियन, यानी कि रेडियम में मेजरमेंट कर रहे। देखो डिग्री में तो हम डिग्री ऐसे छोटा सा सर्कल करके हमें पता चल जाता है कि चलो भाई डिग्री है, ये रेडियन है। चलो तो फिर यहां कितना हो जाएगा, लेट्स ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कई बार एग्जिट नहीं होता लेकिन ट्राई करते मैक्सिमम, क्योंकि डिजिटली बोर्ड में ये सब कुछ मेजरमेंट कर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, सो दैट इज पाई रेडियन। चलो एंड फाइनली एक डाउनवर्ड्स, चलो यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, 3π/2, यस, π/2 + π/2 + π/2, सो 3 times π/2 एंड रेडियन। चलो एक सर्कल लगा के फिर वापिस आ जाए तो 4 times π/2, सो 2 गेट कैंसिल आउट, दैट इज 2π रेडियन। लेकिन इस सिस्टम में हमें बेनिफिट ये मिलता है कि चलो एक सर्कल लगाने के बावजूद फिर आप यहां पे आए तो अब आपको क्या मिलेगा, 5π/2 है ना, फिर यहां पे आ जाए तो फिर 6π/2 यानी कि 3π, ये सर नो सर यहां पे 4π नहीं आएगा, 4π यानी कि 4π = 2π हो गए ना, 4π/2। See, every time counting added by π/2 + π/2 + π/2 + π/2, है ना? तो first time π/2 देखो है, 2 times π/2 यानी कि by 2 get cancel out, so only π radian,
here 3 pi by 2, here 4 pi by 2 by 2, so 2 to get cancelled, so 2 pi plus 8 karo, so 5 pi by 2, hai na? Yes sir. Okay, aur yahan pe phir 6 pi by 2, okay, one minute, laptop charge, shuru kar deta hun. सिक्स पाई बाई टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा, सेवन पाई बाई टू, फिर यहाँ पे एट पाई बाई टू, यानी कि फोर पाई. तो देखो यहाँ पे टू टू पाई ऐड हो रहे हैं सारी जगह, टू पाई यहाँ पे, पाई बाई टू में टू पाई ऐड करो यानी कि फाइव बाई टू पाई, यहाँ पे फिर सिक्स पाई बाई टू यानी कि थ्री पाई, है ना? तो देखो पाई में टू पाई ऐड करो तो थ्री पाई, फिर से यहाँ यानी कि ऐसे इंक्रीज हो जाता है. नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवोल्यूशन ले सकते हो, नंबर ऑफ टाइम आप एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है? यदि इन बिटवीन कोई एंगल रहा तो चलो पहले सर्कल में ही आप यहां पहुंचे हो, सो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय टू डिवाइड बाय टू यानी कि पाई बाय फोर. आप पहला सर्कल ही लगा रहे हो और यहां पे आ चुके हो, चलो और एंगल आपको मेजर करना है, तो यहां तक तो पाई बाय टू है, आपने उनका भी हाफ लिया तो पाई बाय टू बाय टू यानी कि पाई बाय फोर. पता चला बेटा, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर करो तो आपको पाई बाय टू मिल गया. यस सर. वैसे ही आप कोई भी एंगल कर सकते हो, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट. तो अब आपको कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करना है, सेलेस्टियल मीन्स गैलेक्सी में कोई भी स्टार्स या फिर कोई भी सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स, कुछ भी हो, मून या फिर सैटर्न ले लो या फिर कुछ भी, टेक एज अ सन, सन को भी ले लो, चलो उनका डायमीटर या फिर अर्थ से उनका डिस्टेंस मेजरमेंट करना, कुछ भी मेजरमेंट करना हो, तो उस टाइम पे हम डिग्री सिस्टम यूज नहीं करेंगे, रेडियन सिस्टम यूज करेंगे. लेकिन इनके बिटवीन कुछ रिलेशन होना चाहिए, यस और नो? कुछ रिलेशन होना चाहिए, हाँ कि नहीं? हेलो. चलो तो अब क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें फाइंड करना है. तो सिंपली आप देख सकते हो बेटा, जीरो पाई इक्वल टू जीरो रेडियन, तो फिर इन दोनों से हम ऐसे ले सकते हैं, देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू टू पाई रेडियन. चलो एक रिलेशन मिल गया बेटा. यस सर. तो इनसे हम सारे के सारे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. देखो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लिख लो बेटा, लिखने के लिए काम आएगा. चलो तो हमें क्या रिलेशन मिला बेटा, 360 डिग्री इज इक्वल टू टू पाई रेडियन. चलो क्लियर? हेलो. यस सर. पाई की वैल्यू तो पता है ना, 3.14. यस सर पता है. या फिर 20. चलो तो या फिर इसको मैं डिवाइड कर दूं, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फिर 1 रेडियन यानी कि दोनों को 2 पाई से डिवाइड करो दोनों को, तो 360 डिग्री बाय 2 पाई डिग्री इतना हो जाएगा बेटा. यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड किया तो 2 पाई गेट कैंसिल आउट, सो बचा सिर्फ 1 रेडियन. यहाँ पे 360 बाय 2 पाई तो 180 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू डिग्री. डिग्री. सो 1 रेडियन के लिए हमें रिलेशन मिला, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. सिमिलरली यदि हमें 1 डिग्री चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से 360 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? यस. सो 1 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई बाय 360, और इतना हमें जो मिला उसको हम बोलेंगे रेडियन. सो 2 180 जा इस 360, सो पाई बाय 180 एंड इट इज इन रेडियन, दैट इज 1 डिग्री. तो हमें ये भी एक रिलेशन मिला,
अब आप सोच सकते हो बेटा एक डिग्री कितना छोटा मेजरमेंट है ना। देखो यदि आप सर्कल ड्रॉ करो, सपोज इफ यू ड्रॉ सर्कल एंड फ्रॉम ईयर जीरो टू ईयर लेट से सपोज इतना होगा 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, है ना बेटा, इतना ही होगा ना 1 डिग्री तो। यस सर। सो सी दिस इज द ओनली 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री तो आपको उसको कन्वर्ट करो रेडियन में कितना छोटा हो जाएगा। इफ यू सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू रखो तो आपको मिलेगा, चलो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई यानी कि 3.14, कैलकुलेट निकालो डिवाइड बाय 180 करो, उतना आपको रेडियन में मिलेगा। देखो कितना हो रहा है। सो 1 डिग्री इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाय 180 कितना हुआ, कैलकुलेटर है सभी के पास? कैलकुलेटर रखना फिजिक्स के लेक्चर में ऑलवेज। चलो कैलकुलेट करो तब तक मैं पानी पी लेता हूं। 7.32 सॉरी बेटा 57.32 3.14 डिवाइड बाय 180 है, 180 डिवाइड बाय नॉट 3.14 0.01744 रेडियन, यानी कि कितना छोटा हमें नंबर मिला, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू 1.74 इनटू पावर, कितना पावर हो जाएगा 10^-2। ये कैसे आया इसका मैं रूल्स आपको अभी सिखा रहा हूं। चलो कितना रेडियन मिला, देखो कितना छोटा अमाउंट मिला, है ना। यस सर। और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पावर कब इंक्रीज होता है, पावर कब डिक्रीज हो जाता है। इसको ये पे रखो और इन बिटवीन में आपको एक्सटेंड कर देता हूं मैं पेज में। चलो सपोज आपके पास कोई डिजिट है, और ऐसा करना क्यों चाहिए फिजिक्स में, हम ऐसे डिजिट क्यों करते। देखो आप यदि इतना लिखते हो कि चलो द मास ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास शायद आपको पता होगा कितना है, पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00000567891011121315216171819202324252629201 किलोग्राम, इतना ज्यादा या फिर इतना कम। देखा इलेक्ट्रॉन का मास बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो हर बार आप जब इतनी नोटबुक में लिखने जाओगे तो आपको कितना इनकन्वीनियंट रहेगा, क्या फिर इजी रहेगा एवरी टाइम, सर बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ तो इसको बेटर की शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखने के लिए नाउ टू वेज आर देयर, इफ यू आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट साइड देन टेंथ पावर विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। चलो क्लियर? यस सर। ओके तो देखो हम यहाँ पे 9.1 कर रहे हैं, यानी कि हम कौन सी साइड शिफ्ट हो रहे हैं, राइट हैंड साइड, यस और नो? यस सर। तो फिर राइट हैंड साइड कर रहे हैं तो फिर हमें मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो हम यहां तक आने तक 91 टाइम्स शिफ्ट होना पड़ता है बेटा यहां तक, यानी कि 9.1 इनटू राइट हैंड साइड शिफ्ट हुए तो क्या होगा बेटा, 10th पावर क्या होगा, डिक्रीज। यस सर। सो 10^-31 पावर डिक्रीज हुआ, देखो नेगेटिव आया। चलो क्लियर फर्स्ट थिंग? यस सर।
इनमें कोई डाउट? सो हम इजीली ए मेथड यूज कर रहे हैं. सपोज वन मोर थिंग, द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास पता है बेटा आपको? नो सर. मास ऑफ अर्थ, लेट्स यूज कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ शायद 6000345678910111213141517181920212324. चलो इतना किलोग्राम है तो एवरी टाइम इतना हम लिख नहीं सकते, तो हमें शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड मूव हुए थे. देखो शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम कौन सी साइड शिफ्ट होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड. सो क्या होगा? शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑन लेफ्ट साइड, सो रिजल्टेंट 10th पावर विल बी पॉजिटिव, विल इंक्रीज. ओके, चलो तो हम कितने पॉइंट शिफ्ट हुए? तो यहां तक 24 तक, यानी कि 6 × 10^24 केजी अप्रोक्सीमेटली. मुझे एग्जिट भूल गया हूं कितना है, लेकिन इतना है शायद 6 × 10^24 किलोग्राम. पावर तो फिक्स है 10^2, यानी कि इतना हुआ. तो देखो बेटा ये कन्वर्ट रहेगा हमारे पास लिखने के लिए एवरी टाइम. यहाँ पे ए भी शिफ्ट रहेगा. तो देखो ये दोनों रूल्स याद रखना, शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड देन 10th पावर विल बी डिक्रीज, एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड द 10th पावर विल बी इंक्रीज. चलो क्लियर इतना? Yes. ये दोनों गोल्डन रूल्स है, कभी भूल मत जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब पेपर चेक करने जा रहा हूं तो टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टूडेंट भी इतनी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं. मुझे पता है पूरे पेपर में आउट ऑफ 50 में से 40 प्लस मार्क्स आए, लेकिन उसका मार्क्स यदि कट किया जाए तो एक या दो सम में वो तो कैलकुलेशन में पावर शिफ्टिंग में ही मिस्टेक कर देते. चलो ठीक है, आप एक गलती मत करना, सो उसका स्क्रीनशॉट लग के रखो, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको देख लेना. तो सो लेट्स गो ऑन बैकवर्ड्स. चलो अब आपको पता चल गया होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 0.01744 रेडियन. सो हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुए, यस और नो? यस सर. या फिर राइट हैंड साइड शिफ्ट हुए? इस डेसिमल को हमें कहां ले जाना है? लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड? सो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुए तो पावर क्या क्या होगा? डिक्रीज होगा. डिक्रीज ना, तो हम 2 डेसिमल देखो चेंज हुए यहां से 1.7, यानी कि 2 डेसिमल, यानी कि 10^-2. चलो ये याद रहेगा बेटा, 1 डिग्री इक्वल टू 1.74 × 10^-2 रेडियन. आज हम कन्वर्जेशन ही देख रहे हैं. चलो इसमें पता चला? यस सर. 1 रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सिंपल वे से, इतना पता चल गया तो और मैं आगे जाओ. यस सर, पता चल गया. ओके चलो, सो फर्स्ट पेज पे आओ और यहाँ पे देखो. लेट्स आई एम यूजिंग अनदर कलर, ब्लू कलर. चलो बेटा ये टोटली यहां से यहां कितने पार्ट हुए? 0 to π/2, यस और नो? यानी कि 0 रेडियन यहाँ पे 0 रेडियन. बाद में सपोज यू आर गोइंग टू हियर एंड सपोज दिस इज द 1 रेडियन. इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपको प्रॉपरली जूम करके आप देख सको, यानी कि इतना जो एंगल बना, इस एंगल को मैंने क्या बताया बेटा? 1 रेडियन. 1 रेडियन. ओके, अब देखना मैं नए पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं. एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं. चलो एक सर्कल, इसमें छोटा सा पोर्शन
यहां से यहां तक इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वी आर ड्रॉइंग हियर, दिस एंगल इज ओनली अबाउट 1 रेडियन. यहां पे 0 था और यहां पे 1. ओके बेटा, डिग्री नहीं रेडियन, सॉरी. ये कितना हो बेटा? 1 रेडियन. चलो क्लियर? यस सर. यदि इसके भी छोटे छोटे पार्ट किए जाए, इसके भी, सो इफ वी द स्मॉलर अमाउंट, इफ द टेक द स्मॉलर अमाउंट, सो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं. देखो मैंने जूम करके देखा, ठीक है, उतना ही पोर्शन ऐसे मिल रहा है मुझे. इसके मुझे 60 पार्ट करने हैं. कितने बेटा? 60 पार्ट करने, छोटे छोटे. कितने छोटे हो जाएगा, है ना? एक तो रेडियन भी छोटा. चलो तो उनमें से यदि मैं एक पार्ट लू, सिर्फ टेकिंग ओनली 1 पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे 1 मिनट. क्या बोलेंगे बेटा? 1 मिनट. क्या बोलेंगे बेटा? इट इज नॉट अ टाइम, 1 मिनट. यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा? 1, सॉरी मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं. वन डिवाइड बाय 60 रेडियन. एक रेडियन के मैंने कितने पार्ट किए? पूरा का पूरा कितना है बेटा? 1 रेडियन, है ना? यस सर. उसके मैंने कितने पार्ट्स किए? 60. उसका एक पार्ट यानी कि 1/60, तो उसको हम बोलेंगे 1 मिनट. दिस इज नॉट टाइम, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल. भूल मत जाना गलती से भी. दिस इज व्हाट एंगल. कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि सर हम मिनट तो हम टाइम देखने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ यूज कर ले हैं, क्यों कर रहे, किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा? टू मेजर अ एंगल, इतना सा छोटा. चलो क्लियर बेटा? सो दिस इज ओनली 1 रेडियन, उसके 60 पार्ट किए, 60 पार्ट्स, और 60 पार्ट में से वी आर टेकिंग ओनली 1 पार्ट. इफ वी आर टेकिंग 1 पार्ट, सो वी हैव 1 मिनट, एंड दैट इज 1/60 रेडियन. चलो इतना क्लियर? ओके. अब ये छोटे से पार्ट को मैं फिर से आगे ले जा रहा हूं, देखना. सिर्फ बचा देखो कितना, इतना सा ही बचा है ब्लैक, एंड इनसाइड वी हैव पुटेड अ रेड कलर ताकि आपको इजीली पता चले. इसलिए चलो ये कितना है बेटा? 1 मिनट. 1 मिनट है, यानी कि 1/60 रेडियन. चलो इतना क्लियर? यस सर. अब इस पार्ट के फिर से मुझे 60 पार्ट करने. कितने पार्ट करने बेटा? 60. यानी कि छोटा कर दिया, सॉरी बड़ा कर दिया मैंने, जूम करके मैंने दिखाया ऐसे. मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे स्ट्रेट लाइन होती है. और इनसाइड मुझे कितने पार्ट्स करने बेटा? 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So totally we have 60 parts. And ये कितना है पूरा का पूरा? 1 मिनट. ओके. उनमें से मुझे सिर्फ एक पार्ट लेना है. कितना पार्ट लेना बेटा? जस्ट 1 पार्ट. सर आप क्या कर रहे हो? 1 में से 1, 1. दो बार मैंने, देखो फर्स्ट टाइम मैंने
टोटली रेडियन में से एक पार्ट लिया, एक रेडियन लिया, उनके 60 पार्ट्स किए, तो हमें एक मिनट मिली, फिर एक मिनट का फिर से हमने 60 पार्ट किया, तो हम इस छोटे को पार्ट को बोलेंगे एक सेकंड। क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड, एक सेकंड। सो दैट इज 1/60 ऑलरेडी था, फिर उससे मैंने 60 से डिवाइड किया, इतने रेडियन मिला। ठीक है, 1/60 तो ऑलरेडी था ना, 1 मिनट इक्वल टू रेडियन, उसको फिर से 60 से डिवाइड किया तो इतना मिला। या फिर आप इतना भी लिख सकते हो, 1/16 मिनट। ओके, यस सर। ओके, अब मिनट और सेकंड, उसको कैसे हम फिजिक्स में डिनोटेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, मिनट के लिए, या फिर मैं चलो यही पे लिख देता हूं, 1 मिनट यानी कि 1 प्राइम यानी कि डैश मिनट को, चलो ठीक है, और 1 सेकंड को 1 डबल प्राइम यानी कि 1 सेकंड। चलो पता चल गया बेटा? यस सर। ओके, तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ किया, शॉर्ट में टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आपको पता चले। इसलिए मैंने पिक्चर ड्रॉ के आपको सब कुछ ड्रॉ करके सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया, ताकि जब भी आप पिक्चर देखो तो आपको पता चले दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो दिस एंड ऑल्सो दिस। फिर एक पार्ट हमने यहाँ से यहाँ ला दिया था, इसका ये हुआ, उनमें से एक पार्ट हमने यहाँ लाया। ओके, इतनी डिटेल से हम गए, और यहाँ तो हमें पता ही है पाई बाय 2 रेडियन, हियर पाई रेडियन, हियर 3π/2 रेडियन, एंड आफ्टर रिवॉल्विंग टोटल सर्कल देयर विल बी 2π रेडियन। ओके, एक साथ एक ही पिक्चर में सब कुछ लिख दिया, और इसके साथ यदि मैं लिखना चाहूँ तो एंगल यहाँ पे मुझे मिलता था 90 डिग्री, यहाँ पे मिलता था 0 डिग्री, यहाँ पे मिलता था 180 डिग्री, और यहाँ पे मिलता था 270 डिग्री, और फिर से यहाँ पे 360 डिग्री। चलो, एक ही सर्कल में आपको सब कुछ पता चल गया होगा, पूरा का पूरा लेक्चर का हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, हमारे जितने भी रिलेशन आए वो सारे के सारे रिलेशन हम यहाँ लिखेंगे। चलो, फर्स्ट रिलेशन किसी को याद है डिग्री और रेडियन का? बोलो, डिग्री रेडियन का रिलेशन याद है, भूल गए? 1 degree equal to how much radian? Pi by 180. देख लो पीछे, भूल गए हो तो। 1 degree equal to pi by 180. 1 degree equal to pi by 180 radian. चलो, इतना clear? Yes. ओके, चलो फिर ये रिलेशन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट, यस और नो? यस सर। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, क्लियर? यस सर। यानी कि इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 रेडियन, और यहां से हम लिख सकते हैं 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, और 1/60/60 यानी कि 3600 रेडियन।
चलो क्लियर यस सर कन्वर्जेशन सारे के सारे कन्वर्जेशन देखो हमने कैसे कन्वर्ट कर दिए यानी कि आपको कोई भी सम कुछ भी है तो सेकंड में हो तो मिनट में कन्वर्ट करना है मिनट हो तो आपको किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में सो इन शॉर्ट पूरी लिंक ऐसे हो जाएगी यहाँ पे यदि डिग्री में हो कुछ भी रुको कुछ भी आपके पास सेकंड में हो तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मिनट में ठीक है और मिनट को आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में और रेडियन शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री चलो क्लियर बेटा पूरा का पूरा फ्लो आप yes, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सो यदि आप लिखना चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन हो रहे थे पाई बाय 180 यस और नो यस तो देखो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन यहां पे 1 रेडियन इक्वल टू 1/60 सेकंड 60 मिनट मिनट में होगा ना कन्वर्ट मिनट और यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड देखो कैसे कन्वर्ट होते जाते रहे इनमें से और यहां से क्लियर आप रिवर्स प्रोसेस भी लिख सकते हो सिंपल रिवर्स प्रोसेस लिखो चलो 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट 1 सेकंड इक्वल टू यस और नो यस यहां पे भी आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा 1 रेडियन 1 मिनट इक्वल टू 1/60 रेडियन और यहां पे भी लिख सकते हो क्या लिखोगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री है ना रेसिप्रोकल कर दिया सारा का सारा देख लो शॉर्ट में सब कुछ रेसिप्रोकल है यहां 1/60 था तो 1 सेकंड 1/60 यहाँ पे 1/60 तो 1/60 देखो रेसिप्रोकल तो हो गया ना सब कुछ yes, छोटे छोटे पिक्चर याद रखना ताकि पता चले इसको डीपी में रखो या फिर मोबाइल में देखो जब भी देखो तो पूरा का पूरा याद रह जाएगा ओके यस सर और यदि आप थक नहीं गए तो बता दो इनमें से ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच सेकंड वन डिग्री इक्वल टू कितनी सेकंड होगी बेटा 3600 सेकंड यस और नो है ना क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 60 और डिग्री को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 वो कन्वर्ट करने पड़ेगा पहले एंड मल्टीप्लाई बाय पाई 180 सॉरी देखो डिग्री को पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट किया यानी कि पाई बाय 180 इज इक्वल टू आपको सेकंड में कन्वर्ट किया तो इतना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल लेना हो तो रेसिप्रोकल भी आप ले सकते हो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई 360
इतनी डिग्री, क्लियर? हेलो, यस सर। मिस्टेक नहीं है नहीं, स्टेप में देख लो कोई। एक सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना मिल रहा है? इस सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो करो बेटा। वन सेकंड इक्वल टू हाउ मच रेडियन? कहां से करोगे तो आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, वो कन्वर्जेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां तक पता चल गया बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। ओके चलो, तो आज के लिए इतना बस। और भी क्वेश्चन है, और भी कई क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए इतना बस, इतना करना है, ठीक है? ओके बेटा। यस सर। ओके चलो, आज के लिए इतना प्रिपेयर कर दूंगे, नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस भी करना, ज्यादा प्रैक्टिस। ओके प्रैक्टिस नहीं की तो मैं YouTube ना लिंक मोके दो। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आई स्टॉप शेयरिंग हियर एंड चलो पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं, ठीक है? हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओके सर, बाय।